अगर जीत का प्याला लबों पर आकर आते आते छलक जाए तो क्या कहेंगे उसे आप? जी हाँ, सरिता के साथ कुछ ऐसा ही होता रहा है। अभी तक 2017 में भी हुआ एशियाई चैंपियनशिप में, लेकिन इस बार एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्णिम सफलता हासिल करके पुराने सब किंतु परंतुओं पर विराम लगा दिया। कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर कि भाई अपने इंडिया में ही एशिया चैंपियनशिप हो रही थी और अपने अपनी धरती पे हमने अपना तिरंगा लहराया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जापान के पहलवान जो हैं दुनिया भर में बेजोड़ माने जाते हैं, और जापानी खिलाड़ी को हराना क्या कैसे मुमकिन हो पाया है सब? मैं सोचती थी कई बार कि मेरी जापानी से कुश्ती नहीं हुई है, मेरी बहुत जितने भी कॉम्पिटिशन खेली हूँ मैं तो मेरी जापानी से बहुत ही कम कुश्ती हुई, तो मेरी इच्छा थी कि भाई अगर हमें आगे बढ़ना है तो जापान और चाइना को ही हराना है, तो मेरी इच्छा थी कि भाई मेरी उनसे बाउट हो, हार जीत वो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हमें ये देखना कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और वो कहाँ पे है, तो अच्छा लगा। जब आपका 2017 में गोल्ड मेडल नहीं आ पाया था और आप फाइनल में पहुंची थी और आखिरी क्षणों में चूक गई थी, उस वक्त मन में क्या चल रहा था? क्या कुछ ठाना था आपने कि मैं अगली बार नहीं तो उससे अगली बार ज़रूर इसकी भरपाई करूँगी? बिल्कुल, ये सोचा था कि आज नहीं तो कल जरूर फर्स्ट आऊंगी और देश के लिए मेडल जीतूंगी। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब दिग्गजों के सामने 10-10 पॉइंट बटोरना, जबकि आप पर यह आरोप लगता रहा था शुरुआती दौर में कि आप बहुत डिफेंसिव रेसलर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस मेरा ये था कि डिफेंसिव हूँ, लेकिन उस कमी पे मैंने आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी बताया था कि मैं उस पर काम कर रही हूँ कि जो मेरा मतलब एक ये नहीं, क्योंकि आज अटैकिंग कुश्ती बहुत ज़्यादा हो गई है, डिफेंस पे तो डिपेंड नहीं करता कि कुश्ती निकल जाए दो पॉइंट लेके, पता नहीं दो पॉइंट कब चले जाएँ, तो मैं उस पर काम कर रही हूँ कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा अटैकिंग अपनी कुश्ती बनाऊँ और डिफेंस तो साथ साथ। 59 किलोग्राम वजन ओलंपिक वेट नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको 57 में या 62 में आना पड़ेगा, तो आपने क्या सोचा भविष्य के लिए ओलंपिक में, ओलंपिक की तैयारी के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं 57 में ही, अब भी जो हमारी ट्रायल्स होंगे मैं 57 में ही दूंगी, और ये नहीं है कि 59 ठीक है ओलंपिक वेट कैटेगरी नहीं है, लेकिन अब जो एशिया चैंपियनशिप हो रही है उसमें देखा जाए तो 59 में 57 से ज़्यादा कंपटीशन था। ये नहीं है कि कंपटीशन हर वजन में होता है, ये नहीं कि ओलंपिक वेट कैटेगरीज में ही कॉम्पिटिशन होता है और कॉम्पिटिशन में मिलता है वो चाहे ओलंपिक वेट कैटेगरी हो या फिर वो ओलंपिक। सरिता के साथ अब जुड़ गए हैं राहुल भी, राहुल मान इनके पतिदेव और इनके कोच भी हैं। कोच कोई कहता है आपको तो कैसा लगता है आपको? कुछ कचोटता है कि नहीं यार कोच नहीं, मैं बस इसका पति काफ़ी हूँ? नहीं, मैं पति काफ़ी हूँ सर क्योंकि वो क्या बोलते हैं, घर के वैद्य की दवा कभी नहीं लगती, मैं समझाता रहता हूँ, नहीं समझती तो इसका मतलब है कि इस बार आपने कुछ नहीं समझाया इनको, तभी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है शायद। तो ये थे राहुल, जिनका कहना था कि वो बहुत ट्रेनिंग देते थे लेकिन अब कोच के संरक्षण में आके, कोच की देखरेख में आकर उन्होंने अपने खेल में सुधार किया है। जो कभी इनको डिफेंसिव माना जाता था वो बहुत अटैकिंग रेसलर हो गई हैं, और इसका प्रमाण है एशियाई चैंपियनशिप में इनका स्वर्ण पदक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।